हाय फ्रेंड्स, मैं आज आपके लिए लेके आई हूँ सफ़र तंबू की चाट, जो बहुत ही टेस्टी होती है। साथ में 2 मिनट में प्रॉपर के तैयार हो जाती है। ये आपको ज़्यादा कुछ इन्ग्रीडियंट्स भी नहीं चाहिए। आप यहाँ देखिए, मैंने लिया है 2 शक्करकंदी ली है और आधा कटा हुआ नींबू लिया है, कटी हुई धनिया, जीरा का पाउडर लिया है 1/2 चम्मच, थोड़ी सी 1/2 चम्मच के करीब चीनी ली है और थोड़ा सा कूटा हुआ मूंगफली का दाना लिया है, जिसको मैंने उसका छिलका निकाल दिया है। और एक हरी मिर्च ली है, थोड़ी सी घी ली है मैंने, एक घी ले ली है और इसमें से थोड़ी सी डाल दी 1/2 चम्मच लगभग। अब हम शक्करकंदी को काट लेते हैं। आप चाहें तो उसे गोल पीस लें या अपने टेस्ट के हिसाब से आप इसको भी पीस कर दे सकते हैं, या तो आप चाहें उसे गोल गोल काट सकते हैं, या छोटा पीस करना चाहते हैं आप तो उसे उसको आधा कर काट लें। मैं इसे छोटा छोटा काट लूँगी। दोस्तों, ये खास कर मैंने ये रेसिपी विकल्प के लिए बनाई है, क्योंकि मेरा जो चल रहा है ये तो बहुत ही आसान भी है, और जब आपका कभी चटपटा खाने का मन हो तो ये आप नाश्ते की तरह खा सकते हैं। ज़रूरी नहीं है दोस्तों कि ये ट्रिक नहीं खाई जाए, ये कभी भी खाई जा सकती है, बहुत ही टेस्टी बनती है, लेकिन व्रत के लिए बहुत ही आसान और कम समय में बनकर तैयार हो जाती है। दोस्तों, मैंने जो चीनी ली थी उसमें नींबू का आधा नींबू लिया था, उसका आधा नींबू का रस निचोड़ ले रही हूँ और उसके साथ उसको चीनी को गलाना है। दोस्तों, ये रस निचोड़ दिया है, लगभग ये रस 1 चम्मच है चीनी के साथ। अब मैं इसको 2 मिनट के लिए गलने के लिए रख देती हूँ, जब तक इसमें चीनी मेल्ट हो जाए। मैंने पॉट लिए हैं, इस पॉट में चाय बना के तैयार करेंगे। अब हम इसमें अपनी शक्करकंदी डाल देंगे। शक्करकंदी को गंजी भी बोलते हैं बहुत लोग, और उसे इंग्लिश में स्वीट पोटैटो बोलते हैं। मैंने हरी मिर्च डाल दी है, कटा हुआ बारीक हरा धनिया डाल दिया है, थोड़ी सी मैं बचा ले रही हूँ क्योंकि ऊपर गर्म मिश्रण के काम आएगा। ये मेरा 1/2 टीस्पून लगभग जीरा पाउडर है, जिसको मैंने पहले से भून के पीस के रखा हुआ था। ये मैंने मूंगफली, कुटी हुई मूंगफली डाल दी है। अब मैं इसमें 1/2 चम्मच घी डाल दे रही हूँ। फ्रेंड्स, घी ऑप्शनल है, अगर आप नहीं भी डालें तो भी चल जाएगा, लेकिन उससे टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है। अब ये नींबू और चीनी को मिक्स करके हम इसमें डाल देंगे। फ्रेंड्स, अगर आप चाहें तो इसमें इमली के पल्प का पानी या इमली की मीठी चटनी बना के भी डाल सकते हैं, वो भी व्रत में भी खाई जा सकती है। अभी तो मैं फ़िलहाल नींबू का रस डाल दूँगा। आप इसमें नींबू की, आम की, अमचूर पाउडर की चटनी भी बना के या इमली की चटनी बना के भी डाल सकते हैं। अब मैं इसमें 1/2 टीस्पून सेंधा नमक डाल रही हूँ, क्योंकि व्रत के लिए है। आप नमक अपने टेस्ट के अनुसार, नमक और मिर्चा अपने टेस्ट के अनुसार डाल सकते हैं। अब मैं इसको मिक्स कर दे रही हूँ। अब ये बहुत ड्राई सा लग रहा है, इसलिए इसमें थोड़ा सा पानी डाल दे रहे हैं, क्योंकि अगर नींबू का रस और डालते हैं तो ये ज़्यादा खट्टा हो जाएगा, और बहुत लोगों को बहुत ज़्यादा खट्टा पसंद नहीं होता है। अगर आप चाहें तो इसमें आप नींबू का रस भी डाल सकते हैं, एक नींबू का रस, वो आपके पसंद पर डिपेंड करता है। तो फ्रेंड्स, मेरी चटपटी शक्करकंदी की चाट बनके तैयार हो गई है। आप इसे इंजॉय करें, अपने घर पर ज़रूर बनाएं और हमें कमेंट में लिख के बताएं आपको ये चाट कैसी लगी। और अगर आप मेरे और वीडियो देखना चाहते हैं तो हमें कमेंट्स में ज़रूर लिखें, और मेरे प्लीज़ फ्रेंड, मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें, और अपने घर पे ट्राई करें, आपको बहुत ही अच्छी लगी ये रेसिपी। थैंक यू ऑल ऑफ यू। देखिए ये कितनी अच्छी लग रही है, बिल्कुल यम्मी लग रही है। आप इसको बना के बहुत जरूर ट्राई करें। अब मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक यू फ्रेंड्स, बाय बाय।